डियर स्टूडेंट, थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिफाइन कर देना है व्हाट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन विच टेम्परेचर आल्सो चेंजेस। आप लिख सकते हैं ए चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन विच टेम्परेचर आल्सो चेंजेस। आल्सो चेंजेस इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस नो हीट चेंज टेक प्लेस। तो ये है आपकी डेफिनेशन। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं, तो इसमें जैसे हमने आइसोथर्मल में किया था वैसे ही क्या कर लेना है आपको, मान लेना है वर्क डन निकालना है। हमें क्या निकालना है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये जैसे वहाँ माना था यहाँ पे मानेंगे। लेट अस कंसीडर यानी किस सिस्टम पे आपको काम करना है। कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर विद परफेक्टली ली नॉन कंडक्टिंग वाल्स एंड फिटेड विद परफेक्टली फ्रिक्शन लेस नॉन कंडक्टिंग पिस्टन। क्यों लिया हमने ये गैस, यहाँ पे देखिए पढ़िए समझिए इसको। 1 ग्राम मोल जो गैस ली है जिस सिलेंडर के अंदर ली, उसकी वाल परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है। पिस्टन भी क्या है, फ्रिक्शन लेस और नॉन कंडक्टिंग है। क्योंकि हमें क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हीट का जो एक्सपेंशन, हीट जो होती है अंदर से बाहर जाती नहीं है, ना बाहर की अंदर हीट आती है, कोई हीट लॉस नहीं होता है। तो आइए अब इसका मैथमेटिकली करते हैं एक्सप्रेशन। मान लीजिए एट इनिशियल स्टार्ट के अंदर आपका क्या है, P1 प्रेशर है आपका, V1 वॉल्यूम है और T1 क्या आपका टेम्परेचर है। अब जो फाइनल है मान लो आपका, तब चेंज होगा आपकी जो कुछ आप चेंज करेंगे एट फाइनल। तो आपने देखा जो प्रोसेस के अंदर क्या होता है आपका, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज होते हैं। तो मान लेते P2 क्या है, फाइनल प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है और T2 क्या आपका टेम्परेचर है। तो एट एन इंस्टेंट लेते हैं जो आपको जैसे पीछे बताया था, तो फोर्स लगेगा, जो फोर्स एग्जर्टेड करेगी गैस वो क्या होगा, प्रेशर इनटू में एरिया होगा। आपका एरिया बताया था आपको क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का। यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या आपका
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन है। जैसे वहाँ पे कहा था आपको, मान लो dx क्या है भाई, आपका जो dx है वो क्या है, आपका स्मॉल आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, दैट मान लो 4dx स्मॉल आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा जो वर्क डन होगा आपका, वो क्या होगा, स्मॉल होगा, हो गया एफ इंटू में डी एक्स हो गया है। और हमें पता है यहाँ पे फोर्स क्या आपका, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये फोर्स एफ क्या आपका, पी ए डी एक्स हो गया आपका। तो जैसे मैंने आपको बताया था ए डी एक्स क्या होता है, इसको लिखते हैं डी वी स्मॉल वॉल्यूम फॉर्म में, ये हो गया आपका पी डी वी। अब हमें क्या निकाल, टोटल निकालना है, तो टोटल जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, तो क्या बताया था, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी आपका इंटीग्रेशन हो गया, इस तरह लिख देंगे इसका पी डी वी। वॉल्यूम क्या आपका, वही पी वन से मान लो एक्सपेंस हो गया आपका वी टू, जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर किया कुछ वैसा ही करना है। मान लीजिए इसकी इक्वेशन का नाम हम एक दे देते हैं। अब इसके बाद क्या हमें पता है, इक्वेशन जो होती है एडियाबेटिक की क्या होती है, द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक चेंज इज गिवन बाय, आपको याद हो ये हमारी पी वी गामा बराबर के। और हमें क्या यहाँ पे देखो, P जो है P को यहाँ से हटाना है, इसको किस में लेके आना है आपका, वॉल्यूम की फॉर्म में लेके आना। तो देखिए मैं यहाँ दिखाऊँ अगर आपको, कैसे लिख सकता हूँ इसको, यानी आपका जो P है कितना आएगा, K बटे में, ये बटे में चलेगा V गामा, ऊपर लेके जाऊँ K V की माइनस गामा, इस तरह से ध्यान से लिखना है। इसको वापस P की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो जो आपकी इक्वेशन चेंज हुई वो क्या हो गई आपकी, वैल्यू क्या है, पुट दी वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन, तो जो आपकी पुट वैल्यू ऑफ पी इन जो आपने इक्वेशन ली है वन के अंदर रख देते हैं, तो देखिए क्या आया, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन हो गया है। वैल्यू रखने के बाद ये वी वन टू वी टू, पी की वैल्यू आपने रखी है, क्या आ गई आपकी, के वी की गामा डी वी आ गया। अब इसका जो हमारा इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा आपको पता, मान लो कि हो गया कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ साथ में, देखिए मैं आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। तो आपका इंटीग्रेशन किसका करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है आपको वी की माइनस गामा डी वी का। आपको बताया था क्या करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर के अंदर क्या करते हैं, आपकी वॉल्यूम था एक ऐड कर देते हैं, उसी को क्या करते हैं सेम बिल्कुल नीचे लिखते हैं, ये मान लो आपका माइनस हुआ है गामा प्लस में वन, तो आपका क्या आगे इसको लिखता हूँ, वी वन माइनस में गामा बाई में वन माइनस में गामा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आपकी जो इक्वेशन, ये जो हमने इंटीग्रेशन किया, ये कितना हो गया आपका, हो गया आपका b, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ आसानी के लिए, b माइनस गामा बाई v माइनस गामा, और लिमिट क्या आपकी, अपर लिमिट है v1 टू v2 है। तो जैसे हमने ये हमारा क्या है वर्क डन है, जैसे हमने आइसोथर्मल के अंदर किया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो जो आपका वर्क डन हो गया ये k एक माइनस गामा, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, अपर लिमिट क्या है ये v2 रख दिया, एक बार V2 वन माइनस गामा, V1 वन माइनस गामा, ये आपका वर्क डन आ गया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसकी जो इक्वेशन निकालने के लिए, जो पीछे जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करना है, हमें पता है बट बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस, V1 गामा इसके बराबर होता है P2
वी टू गामा एक, इसके बाद एक के कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी जाए, यानी जो के, इसको के को अंदर लेके जाऊँ मैं, रख दूँ यहाँ पे, तो आपका जो वर्क डन होगा, ये के को मैं अंदर लेके गया, बाहर आपका एक माइनस में मन माइनस गामा, तो ये कितना हो गया आपका के वी टू मन माइनस गामा, के वी वन मन माइनस गामा, इसके अंदर के की वैल्यू रख देते हैं, तो वन माइनस में गामा, ये क्या हो गया आपका वी टू के साथ पी टू आई लेनी है, यानी कि हमारा पी टू वी टू ये गामा, और ये हमारा कितना था वी टू वन माइनस गामा माइनस के, क्या वी वन है यहाँ पे, तो वी वन वाला ले लेंगे ये वाला, तो ये आपका हो गया पी वन वी वन गामा वी वन वन माइनस गामा। आपको जैसे मैथमेटिकल पता है कि यहाँ पे क्या है, जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो देखिए ये क्या आपका गामा नेगेटिव पॉजिटिव बचेगा कितने आपका पी टू वी टू पी वन वी वन, तो आपकी जो इक्वेशन ये जो मान लो सेकेंड मान लेते हैं, ये चेंज हो गई आपकी थर्ड के अंदर चेंज हो गई है। अब हमारा जो है मेन हमारा बिल्कुल पास ही है, तो जो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन कौन सी होती है, फ्रॉम स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या है, वो हमारी पी वन वी वन, इसको लिख सकता हूँ आर टी वन, और आपका पी टू वी टू इसको लिख सकता हूँ आर टी टू। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन, अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख दी जाए, आपकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, तो देख क्या हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड रिड्यूस हो गई है, वन माइनस गामा देखिए आर टी टू आर टी वन, तो इसको लिख सकता हूँ मैं आर को कॉमन निकाल देता हूँ, आर वन माइनस गामा, यहाँ क्या आ गया आपका टी टू माइनस टी वन, तो ये आपका था एक्सप्रेशन था, यही हमें निकालना था। तो वर्क डन जो मिला आपको क्या हो गया आर टी टू माइनस टी वन बाई वन माइनस गामा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये निकालना था आपको। अगर मान लिया आपसे जैसे हमने किया था हीट एक्सपेंशन पूछ लिया जाए, यानी आपका जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर निकाला था अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट, अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन एडियाबेटिक, हमें पता है हीट स्पेंट इसके अंदर क्या है, होती नहीं है आपकी, जो है हीट कांस्टेंट रहती है, ना हीट का लॉस होता है, ठीक है। तो हम इसको अगर हम लिखा हीट निकाले, हीट जो होगी आपकी जो अंदर ही चेंज होगी वो डब्ल्यू बाई जे दिखा सकते हैं, तो आपकी होगी आर टी टू माइनस टी वन वन माइनस गामा, ये जे दिखा सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, ये कहाँ होगा इनसाइड, बाहर नहीं गया है तो लॉस, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल था एडियाबेटिक आपकी जो प्रोसेस है उसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन का, ठीक है, ये आपको इस तरह से कर लेना है।